Please don't tell the court. This is all a person requires. 6,16,300 rupees per month as maintenance amount. Can a single lady spend this much amount on herself per month? And if she can spend this much amount, let her earn first. These were the exact words as stated by Karnataka High Court while entertaining a petition under Section 24 of Hindu Marriage Act. कोर्ट के सामने एक वकील साहब ने पिटीशन फाइल किया जिसमें उन्होंने वाइफ के तरफ से आर्ग्यू करते हुए ये कहा कि उनके क्लाइंट को 6,16,300 रुपीस चाहिए एज मेंटेनेंस ताकि वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर कर सकें और अपने आप को मेंटेन कर सके। तो कोर्ट ने उन्हें डांटते हुए ये कहा कि एक सिंगल औरत जिसके कोई बच्चे नहीं है, क्या वो महीने में 6,16,300 रुपए अपने आप पर खर्च कर सकती है? अगर खर्च कर सकती है तो आप सबसे पहले उसे कहिए कि वो महीने का इतना कमा कर दिखाए। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उसमें जो आप अमाउंट फिक्स करे हो दैट अमाउंट मस्ट बी रीजनेबल, वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इमेजिनरी फिगर आपने नोट कर दिया और कोर्ट उसे अलाउ कर देगी। कोर्ट ने कहा कि इस इंटरिम मेंटेनेंस को अलाउ करते वक्त कोर्ट दोनों ही पार्टीज के इनकम को देखेगी, तभी अलाउ कर सकती है। तो ये जो केस था कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने, इसमें कोर्ट ने उस एडवोकेट से ये पूछ लिया कि आप किन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपने कितना अमाउंट क्लेम किया है एज मेंटेनेंस, बताओ। तो वकील साहब ये भी नहीं बता पाए। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी अमाउंट आप एज ए मेंटेनेंस चाहते हो वो रीजनेबल होना चाहिए और दोनों पार्टीज के इनकम स्टेटस को देखते हुए आप मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स कर सकते हो। दैट अमाउंट मस्ट नॉट बी इमेजिनरी, राइट? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए नॉलेज ग्रिप चैनल को। थैंक यू।